मिस्टर पीटू, सब ठीक है? यस मिस्टर जेवन। पर थोड़ा संभल के, हम इससे पहले इतनी गहराई में कभी नहीं आए हैं। सही कहा, यहाँ कोई भी खतरा हो सकता है। यस सर, हाँ हम नीचे तक पहुँच गए हैं, अब सब ठीक है। ओके, ओ रुको पीटू, वो आगे क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, मैं आपको बाद में अपडेट देता हूँ। ओह गॉड, डू यू बिलीव दिस? ये तो शिप है, पूरा का पूरा जहाज है। चलो चलकर देखते हैं। गेम ऑन, अब कीको के साथ गेम ऑन करें और एक्साइटिंग पावर मोड गेन करें। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया सेम, तो डाउनलोड करें गेम गूगल प्ले पर उपलब्ध। हम सो शार्क वहां से, शार्क अटैक। ओह गॉड, हमें यहां से निकलना पड़ेगा, चलो निकलो यहां से। आज का दिन कितना अच्छा है, बीच भी कितना शांत है, इसे कहते हैं टू वर्ड्स में गुड डे। सही कहा ट्विंकल, गुड से भी ज्यादा गुड डे, इसी बात पर भुट्टे खा लेता हूँ। बिल्कुल राइट थिंग ट्विंकल और डोडो, सबसे अच्छी बात ये है कि सनसिटी में भी सब ठीक है, कोई टेंशन नहीं। ओ नो, R7 की डेंजर लाइट ब्लिंक कर रही है, खतरे का सिग्नल गुमशुदा आइलैंड की ओर से आ रहा है। गुमशुदा आइलैंड, कभी सुना नहीं इसके बारे में। गुमशुदा आइलैंड सनसिटी का एक सीक्रेट आइलैंड है, जहाँ साइंटिस्ट टॉप सीक्रेट रिसर्च करते हैं। जरूर वहाँ कोई मुसीबत आई है, हमें जल्दी जाना होगा। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। सुपर स्पीडो, गुमशुदा आइलैंड से अलर्ट आया है, तो हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना चाहिए। मगर इस समुंदर को क्रॉस कैसे करेंगे? इसमें फॉर्मूला नंबर 304 हमारी हेल्प करेगा। ओके, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 304। किको और सुपर स्पीडो, गुमशुदा आइलैंड में आप और आपके दोस्तों का स्वागत है। मैं हूं मिस्टर स्विमर, यहां का चीफ रिसर्च ऑफिसर, और ये है जॉनी, मेरा असिस्टेंट। गुड मॉर्निंग स्विमर अंकल और जॉनी भैया, क्या गुमशुदा आइलैंड में कोई मुसीबत आई है? कोई बड़ी मुसीबत तो नहीं, मगर हमारे दो डाइवर्स मिस्टर J1 और मिस्टर P2 पर हमला हुआ है। हमला? किसने किया हमला? एक बहुत बड़ी शार्क, जो अनयूजुअली बड़ी थी। ओरी मोरी मदर, शार्क, डर को भगाने के लिए कुछ खा लेता हूँ। कब हुआ ये हमला? मिस्टर J1 और मिस्टर P2 ने इस समंदर में एक अद्भुत चीज ढूंढ निकाली, वो उसी को देखने जा रहे थे तभी हुआ। वो अद्भुत चीज क्या है स्विमर अंकल? इट्स अ सीक्रेट, मगर मैं तुमसे शेयर कर रहा हूँ, एक डूबा हुआ जहाज। सच में डूबा हुआ जहाज? ये तो है, एक वर्ड में कहूँ तो आउटस्टैंडिंग।
इस पानी के अंदर एक बहुत प्राचीन और रहस्यमयी जहाज है। उस पर रिसर्च करना बहुत जरूरी है, मगर ये शार्क। जहाज के मिलते ही शार्क का हमला होना, ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। पहाड़ की ऊंचाई, समंदर की गहराई, बिजली कड़कड़ाई, मछली फड़फड़ाई और तब सबको मेरी याद आई। सर ऊट पटांग शब्दों में कह रहे हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करने आ गए हैं। थैंक यू जासूस जूनियर। जासूस झटपट अंकल, आप यहाँ? हाँ किको, जासूस झटपट जहाज का रहस्य सुलझाएंगे और इस शार्क से हमें बचाएंगे। मुश्किल है भैया जाना सोलो, इसलिए कहते हैं एक से भले दो। वाह, जासूस झटपट और मेरी टीम, ये तो सही रहेगा। आई थिंक हमें इसमें डॉक्टर आविष्कार सेन की भी मदद लेनी चाहिए। भैंस से निकला दूध, दूध से निकला दही, किको ने कहा बिल्कुल सही। उड़ी बाबा, देखो मौका लगाओ चौका, व्हाट्स द अपडेट ऑन आवर नौका। डॉक्टर आविष्कार सेन। हाँ? जासूस झटपट सर पूछ रहे हैं कि क्या आपको जहाज के बारे में कुछ पता लगा? उड़ी बाबा, ऑफ कोर्स, अभी बताता है, सब पता चला है। क्या पता चला डॉक्टर आविष्कार सेन अंकल? ओह बाबा, ये देखो इस शिप पर ये मार्क देख रहे हो? उड़ी बाबा, देखो देखो, है ना बहुत एक्साइटिंग? हाँ डॉक्टर आविष्कार सेन, मार्क तो है बड़ा स्ट्रेंज। है ना बड़ा स्ट्रेंज और एक्साइटिंग। पर इस मार्क का क्या मतलब है? वो ही तो नहीं मालूम है रेकी को। मार्क को छोड़िए, क्या आपको कुछ भी पता है इस जहाज के बारे में डॉक्टर आविष्कार सेन? ऑफ कोर्स। क्या? अरे वही तो पता लगाना है। चलो ट्विंकल और डोडो, यहाँ कुछ पता चलने तक हमें शार्क के बारे में पता लगाना होगा। आखिर ये शार्क ने अटैक क्यों किया? सुपर स्पीडो, हमें समंदर में जाने के लिए सबमरीन मोड ऑन करना होगा, जिसमें हमारी हेल्प करेगा फॉर्मूला नंबर 246। एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 246। अंदर तो पूरी सन सिटी आ जाएगी। तुम क्या करने जा रहे हो किको? तुम दोनों यहीं रुको सुपर स्पीडो के साथ, मुझे अंदर जाके देखना होगा। पूरी मोरी मदद, पर इसमें तो खतरा है। तुम डरो मत, मैं अभी गया और अभी आया। सुपर स्पीडो, दरवाजा अनलॉक करो प्लीज। यस किको। अंदर जाने का रास्ता। क्या है इस जहाज का रहस्य? ओह वो बक्सा, क्या होगा उसमें? चल के देखना होगा। निशान, पता नहीं इसमें क्या होगा।
मुझे अभी निकलना होगा। हाँ? सुपर स्पीडो, कुछ करो, किको अंदर फंसा हुआ है। करो मत दोस्तों। हुआ है तुम्हारा? मिस्टर स्विमर अंकल, हमने शार्क को देख लिया है। आपकी बात सही है, वो शार्क जहाज के आसपास ही रहता है। ये तो बड़ी मुश्किल है। और क्या देखा? उस जहाज में एक बक्सा है, बहुत बड़ा, और उस बक्से पर भी वही निशान है, दो छुरियों वाला। अंधेरे में तीर का निशाना खाली हाथ लौट के ना आना, बस यही बात सबको है समझाना। हाँ? सर कोड वर्ड में अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, उन्हें कुछ पता लगा है। वो क्या है? समंदर पर डकैती नहीं कर रहा हूँ, बकायती 500 साल पुरानी एंटीक्विटी। ये मिस्टर जासूस झटपट कभी सीधी बात नहीं करते। नहीं, और यही तो जासूस झटपट सर की खास बात है। मिस्टर स्विमर सर, जासूस झटपट कह रहे हैं कि ये दो छुरियों का निशान समुद्री डाकुओं का हुआ करता था, पायरेट्स 500 साल पहले। ये बात उन्हें डॉक्टर आविष्कार सेन ने बताई है। 500 साल? तो फिर जरूर उस बक्से में खजाना है, हमें उसे निकालना ही होगा। लेकिन सर, ये तो इम्पॉसिबल है, समंदर में शार्क है। खतरा खतरा खतरा। खतरे से निपटने के लिए तो किको और सुपर स्पीडो हमारे पास हैं। वाओ, समंदर में खजाना, वन वर्ड में बोलू तो फैंटास्टिक। लेकिन शार्क भी तो है, मोरी मोरी मदर, कितनी टेंशन है इस गुमशुदा आइलैंड पे, कुछ खा लेता हूँ। सुपर स्पीडो और हम सब कोई ना कोई तरकीब ढूंढ लेंगे उस बक्से को निकालने की, क्यों सुपर स्पीडो, है ना? मोरी मोरी मदर, ये तो शार्क का दांत है। शायद जब शार्क सुपर स्पीडो को अटैक कर रहा था तब उसका दांत फंस गया होगा। एक वर्ड में कहूँ तो अनबिलीवेबल। पर ये तो सच में अनबिलीवेबल है। क्यों किको? क्योंकि ये दांत नहीं, मेटल है, ये देखो। हाँ? शार्क का दांत नकली, इसका मतलब शार्क भी नकली। किको, तुम सब समझ गए हो ना? तुम्हें जहाज में जाना है और वो बेशकीमती बक्सा निकाल के लाना है। हम आशा करते हैं कि तुम उस शार्क से बच पाओगे। मगर वो शार्क तो अभी नहीं। डोडो, किको ने कहा है कि शार्क नकली होने की बात वन वर्ड में रखनी है, सीक्रेट। ये मुझे कौन बिन गाना नचा रहा है? वो देखिए मिस्टर स्विमर अंकल, समंदर के अंदर कुछ हो रहा है। पर उसी लोकेशन पर तो वो जहाज है ना जॉनी? कहाँ गया ये जॉनी? हमें पानी के अंदर जाकर देखना होगा। आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर स्विमर अंकल, हम देखते हैं। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। सुपर स्पीडो, तुम्हें पता है ना क्या करना है? हाँ किको, सुपर स्पीडो को समझने में देर नहीं लगती, चलो।
रहा सुपर स्पीडो, तुम रुक क्यों गए? ओ किको, ये तो वही स्पॉट है जहाँ वो शिप थी। सुपर स्पीडो, हमें सुपर स्कैनर से पता लगाना होगा कि जहाज कहाँ है। क्या तुम फॉर्मूला नंबर 39 यूज कर सकते हो प्लीज? ऑलराइट किको, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 39। वो रहा तुम्हारा जहाज। मिल गया जहाज, पर ये तो आगे जा रहा है। बहुत दूर नहीं जा पाएगा किको। अब देखो मेरा कमाल। हो गई मुलाकात, इस बार होगी आखिरी। वाओ, बोलने वाला शार्क। डोडो बुद्धू, नकली शार्क बोल भी सकता है। चलो कम से कम ये तो कंफर्म हुआ कि ये शार्क नहीं है। पर एक बात तो मैं कहूँगा कि तुम्हारी कॉस्ट्यूम बहुत ही रियल है। बच्चे, मुझे तेरी तारीफ नहीं चाहिए, असली हो या नकली तुम्हारे लिए काफी। नहीं शार्क, तुमने गुमशुदा आइलैंड को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। वो जहाज उनकी अमानत है, उसे ले जाना रॉन्ग है। बेवकूफ है गुमशुदा आइलैंड वाले, उन्हें क्या पता इस जहाज की कीमत। मैं ले जाऊंगा इसे दूसरे देश और बेच दूंगा सही दाम पे। सॉरी शार्क, पर तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे रोकोगे? मुझसे डरो बच्चे। राइट कभी रॉन्ग से नहीं डरता। तो ये लो बच्चे, इस शार्क का खतरनाक वार। सुपर स्पीडो, शार्क को किसी तरह रोकना होगा। एक तरीका है मगर उसमें खतरा है। शार्क को रोकने के लिए खतरा उठाना पड़ेगा, बस देखते जाओ। सीट बेल्ट बांध लो दोस्तों। सुपर स्पीडो, एक्टिवेट फॉर्मूला 325। ओके डूड, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 325। ये क्या कर दिया तुमने बच्चे? शार्क के दांत नाकाम हो गए, जरूर अंदर कोई है जो उसे चला रहा है। अब मैं जाकर देखता हूँ वो कौन है। इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरी लेजर लाइट से काम हो जाएगा। जॉनी है, मिस्टर स्विमर का असिस्टेंट। जॉनी, हमने तुम्हें देख लिया है, तुम बाहर आ जाओ। मेरा खेल खत्म नहीं हुआ है बच्चों, आगे देखो होता है क्या। अब जल्दी चलो, जॉनी को रोकना होगा। अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया जॉनी। तुम फिर आ गए। खैर,
एक बार और खेलने का मौका मिल गया हमें। ये क्या कर दिया तुमने? लगता है अब मुझे मेरी ओके का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जॉनी, तुम आसमान में क्या कर रहे थे? जॉनी नहीं मिस्टर स्विमर अंकल, शार्क कहिए। मछली के पेट में से निकला मुस्टंडा, ये तो है बड़ा अजीब बंदा। ठंडा डंडा और अंडे से निकला पंडा। सर कोड वर्ड में कह रहे हैं नकली शार्क, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन वो जहाज और खजाना? मिस्टर स्विमर, ये रहा खजाना। और जहाज के अंदर और भी बहुत है। आपका खजाना सही सलामत है मिस्टर स्विमर अंकल, और रिसर्च करने के लिए आपका 500 साल पुराना जहाज भी।